बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आलू बुखारे का शरबत बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू बुखारा लिया है। पानी जो है ये 3 से 4 गिलास है। काला नमक लेंगे हद पे ज़रूरत, चीनी लेंगे हद पे ज़रूरत। सबसे पहले हम इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे। पानी के मेरे पास 4 ग्लास है। हमें इसे इतना पकाना है कि तकरीबन 2 ग्लास रह जाए। क्योंकि आलू बुखारा भी मीठा है, इसलिए हम चीनी जो है इसमें 3 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। काला नमक जो है हद पे ज़रूरत, अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद है उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे, पकने के लिए रख देंगे ऊपर। चूल्हे पे हमने रख दिया इसे, अब हम इसे पकने देंगे। आलू बुखारा इसमें अच्छे से पक चुका है, पानी भी तकरीबन 2 ग्लास के करीब रह गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे उसकी गुटियां निकाल के ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं, वरना इस तरह भी आप मिक्स कर सकते हैं। देखें बहुत ही अच्छा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, बाद में इसे ग्लास में निकाल देंगे। इसकी मदद से शरबत को अच्छे से छान लेंगे। हमारा शरबत तैयार हो चुका है, अब हम इसमें बर्फ शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। कैसे मिक्स करेंगे, इसे ग्लास में निकाल देंगे। आलू बुखारे का शरबत तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।